नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 17 अक्टूबर रविवार को सुबह सुबह खबर आई कि राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच बनने के लिए तैयार हो गए हैं। आखिरकार बीसीसीआई ने उन्हें मना लिया है और चारों तरफ इस खबर को सुनने के बाद क्रिकेट प्रेमी काफी खुश नजर आए। साथ ही इंडिया टीम के जो खिलाड़ी हैं, स्टाफ हैं, उन सब ने इस पर राहत की सांस ली कि चलिए राहुल द्रविड़ आखिरकार मान तो गए कोच बनने के लिए। लेकिन शाम होते होते इस खबर की अंदरूनी बातें निकलकर सामने आने लगी। दरअसल सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई ने जबरदस्ती टीम इंडिया का कोच बना दिया है। दरअसल राहुल द्रविड़ एनसीए संभाल रहे थे, वहां का पद वो संभाल रहे थे, और हम सब जानते हैं कि जब धोनी को मेंटोर बनाया गया था तो ये खबरें उठी थी कि क्या राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के मुख्य कोच टी20 वर्ल्ड कप के बाद होंगे। राहुल द्रविड़ ने उस वक्त सीधे सीधे मना कर दिया था और वो लगातार मना करते आ रहे हैं। इसके पहले भी जब बातें उठी थी कि मैं टीम इंडिया का कोच पद नहीं संभालने वाला हूं, मैं एनसीए में हूं और एनसीए की जिम्मेदारी मैं अच्छे से संभालूंगा, साथ में अंडर 19 टीम और इंडिया ए टीम को भी मैं देखूंगा। लेकिन कहते हैं कि बीसीसीआई के चीफ सौरभ गांगुली ने लगातार 3 दिन तक राहुल द्रविड़ से बातचीत की और उन्हें कहा कि आप टीम इंडिया की जिम्मेदारी संभालिए, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि रवि शास्त्री का कोचिंग पीरियड टी20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो जाएगा। ऐसे में हमें एक ऐसे पूर्व क्रिकेटर की जरूरत है जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अच्छे से समझ सके, तालमेल बिठा सके। अब इसके बाद ये खबर आई कि 3 दिन समझाने के बाद ये भी ऑफर दिया गया राहुल द्रविड़ को कि अगर आप टीम इंडिया के कोच बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आपको एनसीए की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मतलब आप अगर यहाँ नहीं आते हैं तो आपको एनसीए से भी हटा दिया जाएगा। इस खबर में कितनी सत्यता है, कितना सही है ये चीज़ें कि बीसीसीआई की तरफ से ये बातें कही गई हैं, इसकी पुष्टि अभी फिलहाल पूरी तरीके से नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि राहुल द्रविड़ को यहाँ पर जबरदस्ती भेज दिया गया है। इसके अलावा बीबीएस लक्ष्मण को एनसीए की जिम्मेदारी देने के लिए बीसीसीआई ने प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि मैं एनसीए की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं हूं। मतलब राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई ने जबरदस्ती टीम इंडिया का कोच बनाया तो एनसीए का पद लक्ष्मण ने अपने आप से खुद ठुकरा दिया। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं।